टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस का रिवर्सल क्या एक सच्चाई है या फिर एक मिथ है? इस वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में एक्चुअली होता क्या है, दो चीजें होती हैं। पहला फेज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं। सेकंड होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी, जब प्रोलॉन्ग पीरियड तक इंसुलिन रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं, तो पैंक्रियाज जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। जब वो डैमेज होने लग जाते हैं तो इंसुलिन डेफिशिएंट स्टेट आता है, और ऐसे स्टेट में पेशेंट्स को जनरली रिक्वायर्ड होता है इंसुलिन के इंजेक्शंस एक्सटर्नली। नाउ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी, मोटापा, एक्सेसिव फैट कंजम्पशन, लो लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल कम कर रहे हैं, एंड देन हो गया जेनेटिक, हेरिडिटरी या फिर हम बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए, हर एक मोटा आदमी या मोटे फीमेल को डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होता है। हर एक इंसान जो कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसको डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होता है। जिस किसको भी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज मेलाइटिस को, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन 100% होना जरूरी नहीं होता है। तो हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं कि ओनली कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में जो मोटे हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस हैं, जो लोग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है। तो अब होता क्या है, इनमें सबसे पहले होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको हम लेबल भी करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, ओरल मेडिकेशंस जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने का काम करते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशंस जो इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए। अब यही लोग अगर दवाइयां लेने के साथ साथ अपना कैलोरी इंटेक कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें, शुगर इंटेक कम कर दें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें एंड अल्टीमेटली अपना वेट लॉस करें, तो इन लोगों में देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो बॉडी का अपना इंसुलिन है वो एक्ट कर पाता है, एंड इस वजह से क्या होता है, ओरल मेडिकेशंस बंद हो जाती हैं। कुछ लोग इसको रिवर्सल फेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। लेकिन हम रिवर्सल अंडरस्टैंड करते हैं। रिवर्सल क्या हुआ कि कोई बीमारी आपको हुई, वो खत्म हो गई और आप कुछ भी कर लीजिए, वो दोबारा नहीं आएगी। ये रिवर्सल गया कि बीमारी खत्म हो गई, इमिजिएटली खत्म हो गई है, अब दोबारा आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। बट ये सच्चाई नहीं है। यही लोग अगर दोबारा अपना डाइट कंट्रोल खो दे, दोबारा फैट कंजम्पशन चालू कर दें, दोबारा हाई कैलोरी डाइट लेना शुरू कर दें, दोबारा मोटे हो जाएं, या फिर कम फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें, तो इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस दोबारा आने के चांसेस 99% हैं। तो हम रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, ये अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि उनको डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स ना हो और उनको ओरल मेडिकेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये रिवर्सल नहीं है। अब ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग इंसुलिन डेफिशिएंसी स्टेट में रीच कर जाते हैं उनको इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है इंजेक्शंस के द्वारा, हर रोज 2 बार 3 बार एज पर डॉक्टर की एडवाइस। नाउ इन लोगों में अगर ये लोग प्रैक्टिस करें लो कैलोरी डाइट, प्रैक्टिस करें कि कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम करें, शुगर का कंजम्पशन कम करें एंड फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो इन लोगों में क्या एडवांटेज है कि ये इंसुलिन की अपनी डोज कम कर सकते हैं, ये इंसुलिन की रिक्वायरमेंट खत्म करके कुछ मिनिमल ओरल मेडिकेशंस पे अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको इंसुलिन चालू हो चुका है ऑलरेडी, उसमें बहुत रेयर है कि इंसुलिन या दवाइयां दोनों ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए, ऐसा कंट्रोल आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे केसेस में।
तो इस वीडियो के द्वारा आप ये अब आंसर कर पाएंगे कि रिवर्सल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज ओनली अ मिथ, ये सच्चाई नहीं है। एंड अब आपको ये भी पता है कि अगर आपको या किसी आपके लव वन को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को, अपने रिस्क फैक्टर्स को, ताकि आप कंट्रोल फेज में आ जाएं कि दवाइयां मिनिमल कर दें या दवाइयां खत्म कर लें। बट बी केयरफुल, ये आपको लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मेंटेन किया तो ये फेज दोबारा आ जाएगा, आपको दोबारा इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।